लाइव जो इरशाद का कत्ल हुआ है और लिमसा का भी कत्ल हुआ और अब जो है पठानों को वो भी मारा गया है, क्या ये लिसानी झगड़े की तरफ तो नहीं जा रहे? मैं ये समझता हूँ कि मुल्क का बुनियादी मसला ये है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। तमाम हुकूमतों ने इसके दावे किए लेकिन इसका सबब भी हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जो रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर उसको क्यों नहीं कानून पर अमल दरामद दारी कानून क्यों नहीं कर, इसकी बुनियादी वजह ये फिरका वाराना अगर फसा झगड़े हुए फिरका वाराना अगर कत्ल हुए तारगढ़ किले हुए वो भी इसकी वजह से कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। कानून का बिला इम्तियाज नफाज मुजरिमों को बगैर तक लाना तफ्तीश सही तफ्तीश करके और केसेस को अदालतों में सही अंदाज में पेश करना ये बिल्कुल मफकूद हो चुका है इस मुल्क में। क्यों मफकूद है इसकी वजह हमें तलाश करनी चाहिए लेकिन ये नए जिसकी वजह से ये मामला अगर रूल ऑफ लॉ कायम हो जाए कानून का नफाज बिला इम्तियाज किसी की रू रियायत ना हो और जो इंक्वायरी तफ्तीश वगैरह जो तफ्तीशी अमल है वो भी गैर जानबदाराना और अच्छे अंदाज और कैसे सही अंदाज में अदालतों में पेश हों तो मैं समझता हूँ कि इन वाकयात की रोकथाम तब मुमकिन है। सर आप क्या समझते हैं कि शहीद कैसर हुसैन चित्ताई की आज छठी बरसियाँ मना रहे हैं तो क्या उसके जो बेगुनाह खून बहाया गया क्या उसके साथ इंसाफ हुआ है? कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर किसी मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो मर्डर हुए किसी एक कातिल को किसी एक कातिल को भी सज़ा नहीं मिली। मैं तो बार बार दोहरा रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है। इस मुल्क के अंदर जो भी ये जिन लोगों ने मारा कौन है वो कातिल उनके पुष्प पर कौन है उनको बेनकाब करना कटहरे में लाना लोगों को बताना अगर एक कैसर चुगताई के कत्ल पर ही ये काम हो जाता तो मजीद कोई इस मुल्क के अंदर इस किस्म का कत्ल न होते लेकिन नहीं इसके पीछे आप किस रियासत में मदीना बना रहे हैं इसके पीछे जी उसमें भी यही बात होगी। मैं अभी तक तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई मदीना की रियासत अगर कायम हो तो बड़ी अच्छी बात है हम हिमायत करेंगे अगर क्याम के आसार और शवायद मिले तो हम हिमायत करेंगे। अभी तक तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई कोई आएगी तो हम हिमायत करेंगे। वैसे मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी जो अभी आप देख लें कि मुहर्रम के बाद मुहर्रम में और उसके बाद जो पंजाब में हुआ सिंध का भी मैं जायज़ा ले रहा हूँ खैरपुर के अंदर सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ जो तबलीगी मजालस अदा है तबलीग का हक हर एक को हासिल है शहरी आज़ादियों का और बुनियादी हकों का मसला है उस पर एफ आई आर हुई किसी हुकूमत के दौर और लोगों को डराया गया धमकाया गया तोहीन की गई तजलील की गई सी टी डी ने और दूसरे बैठकों पुलिस सरकार हुकूमत ये थी ना इससे पहले भी होता था और इस हुकूमत में भी हुआ तो मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत को भी कानून की अमलदारी यानी तब्दीली कोई नहीं आई आगे इस हवाले से मैं कोई तब्दीली नहीं देख रहा हूँ आगे की उम्मीद मैं तो मुतवज्जे कर रहा हूँ और अगर ये कोशिश करें तो तवक्को की जा सकती है कि अभी चूँकि कहते हैं जी हमें थोड़े दिन हुए हैं 6 महीने 5 महीने हुए हम समझते हैं कि इनको मौका तो मिलना चाहिए मिल चुका है और मज़ीद भी मिलना चाहिए ताकि ये कानून की अमलदारी नाफिज करेंगे हुक्मरानी करेंगे तो ये मसले कोई और कोई हल नहीं है इस मसले का। आप भला मौलवियों से फतवे दिलवाते रहे कि खुद कुछ का हमला जो है हराम है ये मौलवियों का मौजू ही नहीं है ये मौजू तुम्हारा है सियासत का मौजू है कि पता करें कि खुद कुछ पलते कहाँ हैं और उनको पालता कौन है और उनको कौन फैक्ट्रियाँ किसने बनाई हुई वो मसला है उसको जब तक बंद नहीं करेंगे मैं समझता हूँ कि यूँ मौलवियों को इतना उठा के और हर मसले को मजहबी बनाना मजहब इस मुल्क के अंदर फिरकावार ये बाराना दहशत गर्दी हो या कोई दहशत गर्दी हो मजहबी मसला नहीं है मौलवियों उलमाए किराम बुजुर्गान हैं मोहतरम हैं उनके फतवों का मसला नहीं है ये मसला इंतज़ामी मसला है ये मसला कानून की अमलदारी और कानून के नफाज का बिला इम्तियाज है और अच्छी तफ्तीश करके
शायद हुआ करप्शन के बारे में आपको इमरान खान ने बोला था मैं आई एम एफ जाऊँगा पहले से ही सोच लेना चाहिए था कि हमारी हमारी सोच हाल के सी हमें आई एम एफ के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आई एम एफ के पास जाना था तो पहले से कह देते कि हम जाएंगे, अलबत्ता शरायत जो है वो मुनासिब मानेंगे, वो सख्त शरायत होंगे तो नहीं के लिए फजा पहले उन्होंने हमार के करप्शन के हवाले से करप्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जो करप्शन इस मुल्क के अंदर, मुल्क का आइन बड़ा कामिल आइन है, मुल्क के कवानीन बड़े हावी कवानीन है। मैं यहाँ ये भी कह दूँ कि इन दिनों में कहा जा रहा है कि किसी कोई मौजू है ऐसा कि जिस हवाले से नई कानून साजी, किसी नई कानून साजी के मैं हक में नहीं हूँ। मुल्क के कवानीन बड़े जामे हैं, करप्शन के लिहाज से हों, फिर कवारीत के लिहाज से हों, किसी और लिहाज से हों, मुल्क के कवानीन जामे कमा पहले उन पर तो अमल कर। नया कानून बनाना इस मुल्क के अंदर डाकू के हाथ में खंजर देने के मुतरा है। करप्शन ख़त्म करनी है, उसके लिए भी कवानीन हो, कवानीन को दुरुस्त करो सही अंदाज में, और जो जो किसी को जो कवानीन के अंदर सहूलत हासिल है वो सहूलत भी उसे दो, किसी की बेतौकीरी भी मत करो। कबल इसके कि उस पर साबित हो जाए, उससे पहले बेतौकीरी करना या किसी की पगड़ी छालना या इसको ख़राब करना, ये इसकी कानून भी इजाज़त दे देता है। ये आम अखलाकियात के भी खिलाफ, कानूनी अखलाकियात की इसकी इजाज़त दे देते हैं। और जो कानून पर साबित हो जाए, सबूत अगर ठोस हो सताए जाने चाहिए। सर आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हो सकते हैं? आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हो सकते हैं? सर मौजूदा हुकूमत 18वीं तरमीम के खिलाफ, मौजूदा हुकूमत 18वीं तरमीम के खिलाफ जो है अभी कुछ 18वीं तरमीम तो एक मुतफ़ा तरमीम है, कौमी असम्बली में आवाम के नुमाइंदों ने वो तरमीम की है, वो दही अक्सरियत से हुई है। तरमीम छेड़ना नहीं चाहिए, हल निकालना चाहिए। अगर कोई मसला पेश आता है तो हल निकालें। मैं समझता हूँ कि ये तरमीम बेहतर तरमीम है और इस तरमीम को बरकरार रहना चाहिए, और उसमें जो मुश्किल हैं उसका हल भी मौजूद है। मैं तो किसी खास नाम से नहीं, मैं हर हुकूमत को एडवाइस देता आया कि आप आइन को मुकम्मल नाफिज करें। बहुत सी शिकें आइन की है जो बात नहीं करता कभी। कानून जो है वो बिल्कुल उसकी धजियाँ उड़ाई जाती हैं। कानून के बाद कुछ तबकात के लिए कानून और है, दूसरे तबकात के लिए और है। कानून में तफरीक पैदा की जाती है, इम्तियाज बरता जाता है, इसको ख़त्म करें। फिलहाल इम्तियाज कानून का नफाज और पूरी तहकीक की जाए। अभी उस इंसानिया साहिबान हुआ वो कहाँ पहुँचेगा और किसने कराया और क्यों कराया, ये सारा एकाएक मंजर आम पर आएँ और लोगों को बताया जाए ना कैसे वाकयात होते क्यों हैं और कराते कौन, कराने वाले कौन हैं, उनको भी गिरफ्त में लाया जाना चाहिए। जब कानून बिला इम्तियाज नफाज होगा तो इंशाल्लाह इस मुल्क में सऊदी वली ऐसे पर क्या 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 कहेंगे? जाते रहते हैं, ये दायरे मुल्कों के ताल्लुकात मुल्कों से होते हैं और इससे मुल्क को फायदे वाली कोई बात नजर आ रही है? मुझे अभी इसके बारे में मैंने जायजा नहीं लिया, लेकिन जाहिर है कि हमें जो हमारी जो रियासत है और जो हुकूमत है उसको अपने मुल्की मफादात को और मुल्क को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा के लिए तो हमारा हर वक्त पैगाम है और हम कर ही उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और उनको इकट्ठा करने के लिए, उनकी देखने के लिए, गरीबों के लिए, महरूमों के लिए, ज़ईफ होने के लिए, कमज़ोरों के लिए के खातिर उम्मत मुस्लिमा का हम इत्तेहाद चाहते हैं, ताकि लोग अमन से रहें, लोग इत्तेफाक से रहें, एक दूसरे को बर्दाश्त करो, एक दूसरे को तस्लीम करो, एक दूसरे के मुकद्दसात का एहतराम। कराची में सर तजावीज़ के हाल में खुदा ने वो करते हैं जाहिर है इसकी तो लोग कैसे बैठे जाओदाद की आठ नहीं, इसका नुकसान हुआ है हुकूमत को उसका इजाला करना चाहिए।